नमस्कार, मैं NTR आप सबका आपके अपने चैनल NTR मैथ्स में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूनिट डिजिट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, आज हम लोग उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। जैसे कल मैंने एक टाइप छोड़ दिया था जिसको बोलते हैं हम लोग फैक्टोरियल वाला टाइप। ठीक है, इसे देखते हैं। जैसे ये सिंबल जो होता है आपका, ये सिंबल, इसे बोलते हैं हम लोग फैक्टोरियल सिंबल। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं सिंबल के बारे में कि इस तरह से ये जो दोनों सिंबल्स होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का ये सिंबल हो गया। इसका मेन एक यूज होता है कि अगर 3 का फैक्टोरियल कह दिया आपको कोई निकालने के लिए, तो इसका मेन यूज क्या होता है कि 3 को ना हम लोग घटते हुए क्रम में 1 तक ले जाएंगे और गुना करके बोल देंगे भाई इसका गुना कितना हो गया 6। अगर 4 का किया जाए तो 4 × 3 × 2 × 1 और कितना हो जाएगा 24। अगर 2 का बोले तो 2 × 1 यानी कि 4। और एक यहाँ पर देख लेते हैं 5 का फैक्टोरियल, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 120। तो ऐसे क्वेश्चंस जो फैक्टोरियल रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या कहेगा आपसे, कह देगा कि भाई निकाल के बताओ कि 100 के फैक्टोरियल में इतना के इकाई अंक निकाल के बता दीजिए आप। ठीक है, क्या होगा इसका इकाई अंक, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दिया आपका। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आपको 100 से लेके पूरा 1 तक गुणा करने के बाद आपको पता चले। आप यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ पाओगे कि 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता ही है, 1 का फैक्टोरियल 1 हुआ, 2 का फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, मैंने गलती से 4 लिख दिया। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल क्या हो गया 2 हो गया, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का 24, 5 का 120। यानी कि अगर 5 के बाद की बात करें, 6 से करें, तो 6 × 5 = 4, 3, 2 और 1 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 720। आप जानते हो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया कि जब कभी भी 0 आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में तो 0 आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब देखिए यहाँ पे 5 के फैक्टोरियल में आपको 0 आना स्टार्ट हो गया, 5 के बाद जब कभी भी होगा 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, कुछ भी हो जाए यहाँ पे, इसका फैक्टोरियल में करने के बाद लास्ट में आपको 0 आएगा ही आएगा, लास्ट में आपको 0 आएगा ही आएगा। यानी इन केस मैं आपको ये कह सकता हूँ कि फैक्टोरियल के जो केस में होता है कि 4 से बड़े किसी भी संख्या का फैक्टोरियल लेने पर या फिर उसका फैक्टोरियल निकालने पर इकाई अंक हमेशा शून्य होता है। ठीक है, ये बात समझ गए। आप देख रहे होगे कि 1 का मैंने निकाला 1 हुआ, 2 का निकाला 2 होगा, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120, 6 का 720 और इस तरह से कंटिन्यू आपका बढ़ते जा रहा है। तो इन केस जब मैंने 5 का किया था तो यहाँ पर देखिए 0, 0, 0 और आगे भी 0 होते चला जाएगा, क्योंकि इसमें ना आपका एक 5 का प्रेजेंस आ चुका है और 5 के प्रेजेंस जब कभी भी आता है और उसको एक सम संख्या मिल जाता है तो उसको क्या कर देता है, वो 0 में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आ गया इतना। चलिए ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक और मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं कि 5 के केस में क्या क्या होता है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग लिख लिए होंगे। यहां जो क्वेश्चन था आपका 100 का फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा, ये 0 होगा। ठीक है, अभी भी मैंने बताया कि 5 के बाद जैसे ही फैक्टोरियल का नंबर बढ़ेगा उसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 0 ले लेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कि 5 के केस में जब गुना होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ रूल होते हैं कि 5 को किसी सम संख्या से गुना करने पर उस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 0। दूसरा केस ये है कि 5 को किसी विषम संख्या से गुना करने पर उसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 5 ही होगा। ठीक है, गौर कीजिए यहाँ पे कि सम संख्या का बात किया है हमने और यहाँ पे विषम संख्या का बात किया है। ठीक है, तो सम संख्या से जब गुना करते हैं 5 को
तो उसमें क्या आता है, जीरो, और विषम संख्या से गुणा करते हैं पाँच को तो हमेशा क्या देता है, पाँच। लेकिन किसी केस में ऐसा हो कि पाँच और पाँच को सम संख्या और विषम संख्या दोनों से गुणा किया जाए, दोनों से गुणा किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा, आप ही बताओ कि एक तरफ सम संख्या है दूसरी तरफ विषम संख्या है तो पांच किसके सुनेगा, सम संख्या के विषम संख्या के, तो आप कहोगे सम संख्या के सुनेगा, ठीक है, सम संख्या की सुनेगा यानी कि जीरो, सम संख्या की सुनेगा यानी कि जीरो होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा दूँ आपको कि अगर पाँच को मैंने कहा कि दो से गुना करिए तो ये दस, दो क्या है एक तरह का सम संख्या है, पाँच को बोलूँ मैं चार से गुना करने के लिए आएगा बीस, ये भी क्या है चार, चार एक सम संख्या है आ गया आपका बीस। पाँच को बोलूँ मैं तीन से गुना करने के लिए तो पंद्रह, पाँच को बोलूँ मैं पाँच से गुना करने के लिए ये आपका हो जाएगा पच्चीस। तो जब विषम संख्या से मैंने गुना किया, तीन और पाँच क्या है विषम संख्या है, तो इस केस में पाँच और यहाँ भी पाँच। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि पाँच को मैं कहूँ दो से भी गुना करो भाई और तीन से भी गुना करो तो देखोगे पहले दस होगा और दस दिया तीस यानी क्या हो गया जीरो। अगर पाँच को मैं बोलूँ कि दो से गुना करने के बजाय आप किसी दूसरे संख्या चार से और यहाँ पर तीन से गुना करो तो हो जाएगा सिक्सटी, तभी क्या हो रहा है जीरो। यानी इन केस अगर पाँच आ रहा है और उसमें सम संख्या और विषम संख्या दोनों से गुना किया जाए तो पहले सम संख्या से गुना कर लो, विषम संख्या को छोड़ देना, ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि जैसे ही सम संख्या से गुना होगा जीरो होगा तो विषम संख्या का तो ऐसे ही नहीं बचेगा, ठीक है, उसको कुछ करेगा ही नहीं। अब समझते हैं आगे, सम संख्या विषम संख्या हो गया कंप्लीट हमारा। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं यहाँ पे हुआ पाँच, ये पंद्रह, और चलो ठीक है यहाँ पे 28, 13 और 16, ऐसे मैंने कुछ दे दिया, ठीक है, बहुत लंबा लग रहा है, इसको और छोटा कर देते हैं तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक पाँच लिख रहा है ना आपको, दो दो पाँच मिल गए मेरे पास, तो सिर्फ एक पाँच देखो, एक ही पाँच से काम बन जाएगा, और यहाँ पे आपको आठ है तो एक आठ ले लो, तो आठ क्या है एक तरह का सम संख्या और एक पाँच आपका विषम संख्या, दोनों को कोलाबरेशन हो गया, यहाँ जीरो आ गया, बाकी किसी हमें कोई मतलब नहीं है, इसका इकाई कितना होगा जीरो। आप देखते ही टिक कर दो कंसर को, एक और देता हूँ 31, 32, 33, 34 और 35, बताओ इसका इकाई क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो बोलो। बॉक्स में बनाया जीरो नहीं लिखा है मैंने, क्या किया इसको बॉक्स बनाया, बताइए इसमें क्या कीजिएगा इकाई अंक, तुरंत देखो पाँच है एक चार है दोनों का कोलाबरेशन से जीरो आ जाएगा, जीरो कर दो यानी बॉक्स जीरो ही हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 कर देता हूँ यहाँ पे 95, 97 एंड फाइनली 99। अब इसमें बताइए किसका इकाई अंक क्या होगा, तुरंत जल्दी फास्ट देखिए यहाँ पे पाँच दिख रहा है आपको, पाँच के अलावा कहीं पे सम संख्या है क्या, देखो जल्दी से यहाँ नौ है, सात है, तीन है, एक है, सारे के सारे विषम संख्या है, तो विषम संख्या में जब पाँच को मल्टीप्लाई करोगे ये आपका पाँच ही होगा, बात खत्म, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ओके समझ गए। देखते हैं कुछ क्वेश्चन और, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ आपको कि दो का फैक्टोरियल, तीन का फैक्टोरियल, चार का फैक्टोरियल और चलो फिलहाल चार का देख देते हैं, चार का फैक्टोरियल में इकाई अंक कितना होगा, में इकाई अंक बराबर व्हाट, बताइए भाई। दो का आप जानते हो कि दो का क्या होता है, ये दो ही होता है, तीन का फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है सिक्स होता है, और फोर का फैक्टोरियल का मतलब ये चौबीस हो गया, सभी के बीच में गुणा का सिंबल है, गुणा कर देंगे ये आपका हो जाएगा 12, यहाँ तो 24 है ही, दो ले लो यहाँ से चार ले लो हो जाएगा 8, यानी सबका गुणा करने के बाद जो आपका इकाई अंक होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर मैं प्लस में ले लूँ कि दो का फैक्टोरियल प्लस में तीन का फैक्टोरियल प्लस में चार का फैक्टोरियल में इकाई अंक बताइए क्या होगा, तो दो का फैक्टोरियल के लिए जानते हो दो ही होने वाला है, चार के लिए सिक्स हो जाएगा और छः के लिए चार के लिए चौबीस हो जाएगा, दो के लिए दो होगा, तीन के लिए सिक्स और चार के लिए चौबीस हो गया।
आप सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि बीच में तो आपका जोड़ का सिंबल लगा हुआ है। तो 6 4 10 10 2 12, 12 का होता है 2, 2 यानी कि इकाई का अंक 2 ही हो जाएगा, आगे आपको बढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो एक जोड़ के केस में एक और बनता है और गुणा के केस में एक और उसका रूल बनता है, उसे आप देख लो कि अगर आप देखो कि 2 3 4 है और 4 के अलावा अगर कोई भी अंक आता है, ये जो 3 डिजिट दिख रहा है इसके अलावा अगर कोई भी फैक्टोरियल में सिंबल दे दिया, नंबर दे दिया, ये समझाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, कि मैंने कहा कि 2 गुना 3 और यहाँ पे 5 गुना 5 का फैक्टोरियल दे दिया। ठीक है, अब तब पूछे कि बताओ भाई इसका इकाई अंक क्या होगा, इसमें बस भरिए। तो आप देखिएगा कि मैंने उस टाइम बताया था आपको कि 2 3 4 और इससे अगर ज़्यादा हुआ, 2 3 4 से इससे ज़्यादा कोई भी अंक हुआ, जिसके किसका अलावा 5 हो सकता है, 6 7 8 समथिंग एल्स, तो इसका अगर फैक्टोरियल निकालता है तो इसका इकाई अंक क्या होता है, हमेशा 0, यानी कि ये जो है आपका 0 ले लिया, बाकी में गुना होगा 0 ही होगा, ये इसका क्या हो गया, ये लड्डू में लड्डू भरा जाएगा 0। ठीक है, 0। अब चलते हैं दूसरा देखते हैं किस वाले केस में क्या होता है। किस वाले केस में तो सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा, समझ गए बात। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, अगर जोड़ के केस में बात की जाए आपसे, कि जोड़ने के केस में अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं कहूं कि 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और इसके बाद मैं 5 का दे दूं, 7 का दे दूं, 8 का दे दूं, इस तरह से, और सबको मैं बोलूं कि चलो भाई निकाल के आप जोड़ के बताओ कि सबसे अंत में इकाई अंक क्या होता है। ठीक है, तो जोड़ने वाले केस में आप जानते हो यहाँ पे किसका तो 2 ही रहने वाला है, इसका 6 हो जाएगा और इसका 24, और बाकी कुछ भी होगा इसमें तो आपका 120 आएगा, तो 120 के लिए 0 कर दो, 0 कर दो, 0 कर दो, यानी कि अगर 2 3 4 के अलावा कोई भी अदर नंबर आता है तो वो क्या है आपका, नेग्लिजिबल है, यानी कि उसको आप इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर कर दीजिए इस नंबर को। ठीक है, भूल जाइए कि ऐसा कुछ नंबर है दिया हुआ, हमें क्वेश्चन पूछा है, बिना मतलब के बात बना रहा है, छोड़ दो आप उसको, बस इतना से ही आप काम निकाल लो, जान तो इतना का क्या होता है, 2 था, अभी भी मैं निकाल के बताया यहाँ पे 2 पुट कर लो। तो आपने क्या सीखा इस बारे में, कि जब कभी भी 2 3 और 4 क्या क्या था, 2 था 3 था 4, इस नंबर के अलावा गुना के केस में कुछ भी एक्स्ट्रा नंबर देता है, 2 3 4 के अलावा 5 देता है, 6 देता है, 7 देता है, कुछ भी 100 का दे दिया, 120 का दे दिया, तो आँख मुन के क्या करोगे आप, 0 टिक करके चले आना, गलती नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर जोड़ के केस में बोले कि 2 3 4 के अलावा 5 देता है, 6 देता है, 7 देता है, 120 देता है, 1 लाख देता है, तो उस केस में उसको छोड़ दो, भूल जाओ कि कैसा कुछ नंबर दिया आपको, मत इग्नोर करो उसको, सॉरी इग्नोर कर दो, क्या हुआ 5 का दिया, 6 का दिया, 7 का दिया, 8 का दिया, सबका क्या है, लड्डू लड्डू लड्डू, इतना सा लड्डू लेके कहाँ जाइएगा, छोड़ दीजिए उस लड्डू को, यानी इसको इग्नोर कर दीजिए, क्या आ गया 2। याद कर लीजिए 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2, 3 का होता है 6, 4 का होता है 24, इजी सा है, इतना तो याद करना है, अगर 1 का दिया तो एक और इसमें ऐड कर देंगे, खत्म। ये था हमारा फैक्टोरियल वेस्ट कुछ क्वेश्चन, अब इसके अलावा जो आगे का क्वेश्चन बनेगा उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा। हमारा जो टॉपिक था इतना ही रिलेटेड था, पावर वाला हो गया, फैक्टोरियल हो गया, अब इस सबसे जो कोलाबरेट करके जो क्वेश्चन बनता है, जो एग्जाम पेपर में पूछ रखा है, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करके सिखाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।